हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिलियन टेस्ट। सो दोस्तों, हम आपके लिए एक और नई जगह लेकर आए हैं। इस बार हम आए हैं रोहिणी सेक्टर 11 में जीत्रियास सिनेमा हॉल में, द होटेलियर्स डेक, जो कि एक यूनिट है द डेकोरेटर्स की, जो कि एक डेकोरेशन कंपनी है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया कुछ फूड। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। दोस्तों, ये हमारे लेमन पनीर की मेकिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी तूफानी तरीके से बना रहे हैं भैया। काफी बढ़िया और भाई चॉप की क्या तगड़ी खुशबू आ रही है। ये क्या डाला भैया? ग्रीन चिली। और ये हमारे वेजेस और ग्रीन चिली आ गई है। और ये डाल दिया केचप, ये विनेगर आ गया दोस्तों। ठीक है भैया, ओके, रेड चिली पाउडर, नमक, और ये आ गया धनिया थोड़ा सा, रेड चिली सॉस दोस्तों। ये भैया ने पनीर के हमारे पीसेस डाल दिए। गाइस, ये हमारे चीज रोल हो गए स्टार्ट बनना। और ये भैया क्या डाल दिए? ये हमारे वेजिटेबल्स हो गए। खुद बनाया हुआ चीज। गाइस, यहाँ की स्पेशल बात है कि यहाँ पर जो चीज वगैरह होता है ना, कोई भी आउटसोर्स नहीं होता, ये खुद अपने प्रिपेयर करते हैं। सारी चीजें यहाँ पर खुद प्रिपेयर की जाती है, तो कोई भी चीज तुम्हें यहाँ आउटसोर्स नहीं मिलेगी, तो इम्प्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं होती यहाँ पर। फिर मतलब काफी हाइजीन के साथ बनाया जाता है यहाँ पे सारा सामान। और ये भैया आप रैप कर रहे हैं। मैं पास्ता बनाने जा रहा हूँ। रेड सॉस ये अपना डाल दिया, बटर ये अपना, स्वीट कॉर्न एंड अपना वेजिटेबल चला गया। वेजिटेबल अपना ब्रोकली मशरूम भी जा रहा है फ्लेवर वेजिटेबल में। थोड़ा उसको फ्राई कर दिया। हल्का फ्राई होने के बाद हल्का आपने थोड़ा गार्लिक डाल दिया टचिंग के लिए। इसको थोड़ी देर और फ्राई करना है 1 सेकंड के लिए। ये अपना वेजिटेबल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ये अपना डाल दिया थोड़ा, ये अपना दूध डालने के बाद अपना डाल दिया पास्ता। पास्ता का साइज, ये अपना मेयोनीज है, हल्का ये वाला डाला, हल्का हमने डाल दिया प्लेन मेयोनीज। अपना ये पास्ता पिज्जा सॉस, अपना टचिंग में एक आएगा केचप हल्का स्वाद के लिए। फिर हमें स्पाइसी खाना है, हल्का स्पाइसी आ जाएगा। ये मैंने डाला हल्का नमक, ये अपना चिल्ली फ्लेक्स, अपना ये ग्रीन ओरिगैनो, ये मसाला ओरिगैनो। उसके बाद थोड़ी देर हम मिक्स करें, ये हमने मिक्स कर दिया था, हल्का सा ग्रीस तेज करेंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देंगे, थोड़ा फ्लेवर पकड़ लेगा पास्ता में। ये हल्का हमने दूध डाला, हल्का ड्राई हो गया। ये दूध डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा नहीं 5 सेकंड के लिए पका दिया। ये अपने पनीर मोमोस है, मैं इसको कॉकटेल बनाने जा रहा हूँ।
पहले हमने इसको बनाया, साइज अपना इतना है, उसके बाद अब फ्राई करने जा रहा हूँ इसको। ये दो दो चीज डाले, तेल मेरा गर्म है, ये डाल दिया। अब ये फ्राई होते रहेगा जब तक मैं कॉकटेल रेडी कर रहा हूँ। हल्का सा रिफाइंड लिया, हल्का सा सोन डाला, हल्का गार्लिक डाला, उसके बाद अपने वेजिटेबल बीन्स गाजर ये भी डाल दिया। ये डाला मेयोनीज, मेयोनीज डालने के बाद हम डालेंगे हल्का दूध, ये हमारा दूध गया। हल्का दूध डालने के बाद हल्का हमने क्रीम दिया, उसके बाद हल्का हमने डाला रेड चिल्ली, रेड चिल्ली डाल दी। देखिए हमारे मोमोस हो चुके हैं रेडी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन से कड़वा बन का टेस्ट आया। ये हमने हल्का रेडी कर दिया, इसका हमने डाल दिया आपका हल्का चिल्ली फ्लैक्स, हल्का ओरिगैनो और आपका हल्का ओरिगैनो मसाले वाला। अब हमने इस मोमोज को इसमें डिप कर दिया, करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करा, मिक्स करने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया। हल्का लेमन डाला इसमें, लेमन डालने के बाद हल्का अपना केचप है, केचप को टच करा हल्का फ्लेवर के लिए। ये अपने पनीर ग्रेवी मोमोस रेडी हो चुके हैं। और ये भैया ने लच्छा पराठे में डाल दी अमूल क्रीम, और ये आगे पनीर की वेजेस। देखो गाइस काफी अमाउंट में पनीर यूज होता हो रहा है इनके रोल में। ये मैंने भैया ने डाल दी ग्रीन चिली सॉस, केचप, थोड़ा सा धनिया और रेड चिली सॉस टच देने के लिए हल्का सा स्पाइसी। और फिर से भैया ने यूज़ किया है अमूल क्रीम। रेडी हो चुका है, आ गया हमारा पहला ऑर्डर और इसका नाम है लेमन पनीर। तो थोड़ा जूम करें दिखा दो, तो मैं देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और डेकोरेशन देख रहे हो, तो डेकोरेशन तो एक नंबर है भाई, एक नंबर। ऐसे डेकोरेशन शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये एक्चुअली अम्ब्रेला थीम है। और ये हमारे मेयोनीज और सॉस हो गई, और ये हमारा पनीर लेमन पनीर और लेमन से डेकोरेट है, और ये हमारा ओरियो शेक है। और मैं अगर प्राइस बता दूं तो ये 130 का है और ये वाला 230 का है। तो गाइस अब इसके टेस्टिंग करके बताते हैं तुमको फटाफट। दोस्तों इनका जो पनीर है ना वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फ्रेश लग रहा है, और टेस्ट वाइज बहुत स्पाइसी है और थोड़ा सॉसी भी है। जो सॉस में इसमें डाला है पर एक नंबर है। चिली पनीर जैसा टेस्ट आ रहा है पर उससे भी एक लेवल अप है, काफ़ी थिक किट का ओरियो शेक है हमारा। और क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे जो डेकोरेटिव यूटेंसिल्स आते हो, एक इन्हीं की ब्रांच है जिसकी ये ब्रांच है द डेकोरेटर्स, वहीं की सारी चीज़ें यूटेंसिल्स खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ से मंगा सकते हो बढ़िया बढ़िया यूटेंसिल्स। तो गाइज हमारी ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन को चलाते हैं और दिखाते हैं तुम्हें इसकी टेस्टिंग करके। तो दोस्तों पहले बता दो तुम्हें, ये चीज़ स्प्रिंग रोल्स है हमारे, इसके अंदर बैचेस भरी है और काफ़ी अमाउंट में चीज़ भरी है। ये देखो पूरी चीज़ ही चीज़ हो रही है। और ये हमारी चिली सॉस, इसके साथ और मेयोनीज है, और ये हमारा बटर स्कॉच शेक। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो मेरे सबसे पहले स्प्रिंग रोल का टेस्ट आएगा, फिर उसके बाद इन्होंने चीज़ का इतना बर्स्ट आएगा, चीज़ एकदम से तुम्हारे मुँह में घुल जाएगा। वो बहुत बढ़िया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंग रोल मैंने खाया अभी तक जो ये है, बहुत बढ़िया है। मैं ओरियो शेक के बाद तो कहूँगा सेकेंड रैंक पे ना तो बटर स्कॉच है भाई। तो इसका चीज़ स्प्रिंग रोल का प्राइस 150 है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बताऊँ तो ये रैंक का मेन्यू एक बार देख लो तो। दोस्तों हमारा मिक्स सॉस पास्ता आ गया है,
जिसकी प्राइस 99 है। 99 रुपीज में तुम्हें ना ऐसा पास्ता कहीं नहीं मिलने वाला। और ये हमारा किटकैट शेक है 130 रुपीज का। यहाँ पे शेक सारे 130 रुपीज के हैं। मिक्स सॉस पास्ता भी टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखो ऊपर पूरे इन्होंने डाल रखी है चीज काफी चीज ही बनाया है भैया ने और क्रीमी बनाया है। गाइस पास्ता एकदम ओपी है। इसकी रेटिंग 10/10 दूंगा मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्ता का साइज भी काफी अच्छा है। सारी चीजें यहाँ पे मुझे अभी तक बढ़िया लग रही है। गाइस मैं कहना चाहूंगा सारे के सारे शेक इनके ना सिमिलरली टेस्ट है। मतलब ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा कम, सारे एकदम बढ़िया है। 9/10 में सारे शेक को दूंगा। दोस्तों हमारे मोमोज रेडी है जिसका नाम है कॉकटेल मोमोज। भाई नाम बहुत ही यूनिक रखा हुआ है इन्होंने। और ये है पनीर कॉकटेल मोमोज कहेंगे इसे हम। और ये हमारे कोला लेमनेड ठीक है। और अब इसको स्टार्ट कर बताते। देखो दिखने में ना काफी तगड़े लग रहे हैं मोमोज। मोमोज लग रहे हो, देखो तुम्हारे मुंह में पानी आने वाला है इसे देखकर। और अंदर से ना मोमोज काफी वो है क्रीमी। अंदर पनीर और क्रीम की लेयर बनी हुई है जो इनका फीलिंग है। और बाहर से भी काफी क्रीमी है। ओ गिरने वाला सॉरी। ये इनके शॉप के ना एक तरह से कहूँगा शान है। मोमोज बहुत तगड़े हैं। मोमोज तो बहुत बढ़िया थे। और अब गाइज इसके अंदर 60% पेप्सी डाला हुआ है, 40% स्प्राइट और इसमें फिर लेमन एंड देन स्पाइसेस। तो ये LIT है बट विदाउट एल्कोहल। तो गाइज अब इसे ट्राई करते हैं। नाइस वन। दोस्तों ये हमारे काठी पनीर रोल आ गए हैं जिसकी प्राइस 90 रुपीज़ है। और ये देखो अंदर से देखो। और ये हमारी कुल्लड़ में चाय है भाई साथ में। और अगर तुम सिंपल चाय लेते हो बिना कुल्लड़ के तो तुम्हें 15 रुपए की पड़ेगी, पर ये 25 रुपीज़ की है। अब तो टेस्ट करते हैं। गाइस मैंने ना बहुत जगह खाया रोल, चौरंगीज में खाया और रोल मैनिया में खाया, बट ये वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी रोल है। जो इसके अंदर सॉसेज है ना वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका बाकी रोलों से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। और पनीर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी डाल रखी है। देखा के क्या होगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा दिल। बहुत बढ़िया। अब हमारी चाय। चाय 9/10। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जितने भी चीज़ें ट्राई करी सारी के सारी काफ़ी बढ़िया थी। और मैं यहाँ की टाइमिंग बता दूँ तो सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ पे टेक आउट और डाइन का रहता है। यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी मस्त प्यारी सी जगह बनाई है बैठने के लिए, काफ़ी सही जगह है। और रात को 3 बजे तक इनकी डिलीवरी जोमेटो पे अवेलेबल होती है 11 बजे के बाद, और उससे पहले भी रात को 3 बजे तक ही चलता है। और मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आओ तो भाई यहाँ के मोमोज और पास्ता ज़रूर ट्राई करके जाना, क्योंकि जो पास्ता का प्राइस और क्वांटिटी है ना वो शायद रोहिणी में कहीं तुम्हें मिलने वाला है। इवन दिल्ली में भी शायद इतनी क्वांटिटी में तो पास्ता और टेस्ट के साथ मिलने वाला है। और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें यहाँ पर सारी बढ़िया थी। 9/10 रेटिंग सारी थी हमने। और हमारा भाई काफ़ी पेट फुल हो चुका है। और करते हैं वीडियो का एंड। और अगर ये जो तुमने डेकोरेशन का जो भी चीज़ देख रहे हो काफ़ी अच्छी चीज़ें तुम्हें लग रही होंगी दिखने में, तुम भी अगर अपने घर के लिए चाहते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो द डेकोरेटर्स। यहाँ पे आपको मैं कॉन्टैक्ट चीज़ें दिखा दूंगा, कॉन्टैक्ट लिंक्स एंड नंबर। तो कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए मंगाना चाहे अपने घर के लिए तो मंगा सकते हैं। वीडियो करते हैं एंड। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।